गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसे बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं, उसी तरीके से आज मुझे पता चला है कि GNIT के टीचरों में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जिनमें आज हमें एक नई एंकर मिली है, हमारी मैडम और कर रही है। तो हो सकता है हमने न्यूज चैनल तो GN ग्रुप के नाम से न्यूज चैनल की स्टार्टिंग हम लोगों ने रखी है, रजिस्टर करा लिया है। तो भगवान ने कहा दो चार साल में आप लोगों के सहयोग से हो सकता है रियल में एंटर बन जाए। टेक एशिया, टेक फेस्ट, टेक मैंने टेक्नोलॉजी और फेस्ट मैंने उत्सव। या तो हाँ, आज आप सब लोग एक टेक्नोलॉजी का त्योहार मना रहे हैं, और वो कैसे मना रहे हैं, आपकी न्यू इनोवेशन, आपका स्टार्टअप, आपने जो भी मेहनत की है। मैडम ने मेरे लिए कहा था, इसी तरीके से अगर आप लोग भी सोचेंगे, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एलवी का मतलब जानते हैं बच्चे? लुईस विटन। हर औरत अपने हाथ में बैग रखना चाहती है, हर बच्चा बेल्ट पहनना चाहता है, हर बच्चा चश्मा पहनना चाहता है। लुईस विटन कौन था? लुईस एक बच्चा था जिसका फ्रांस के गांव में जन्म हुआ सन 1822 में। उसकी मदर की बहुत पहले डेथ हो गई और जो उसकी माँ थी सोतेली, वो उसको बहुत डांटती थी, फटकारती थी। 1935 में 13 साल की आयु में उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके पास खाने के लिए, पीने के लिए जेब में एक नया पैसा नहीं था, और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके जिस गांव में जो उसको रोजगार मिलता या मेहनत करनी पड़ती, खा पी के अपना पेट चला करके वो पेरिस पहुंच गया। पेरिस के अंदर उस वक्त बहुत सारी रेवोल्यूशनरी थी, इंडस्ट्री की नई नई इंडस्ट्री आ रही थी। तो उसने एक जो है बक्सा बनाने वाली फैक्ट्री, पहले क्या होता था, जितने भी फॉरनर्स होते थे, जितनी भी लेडीज होती थी, उनकी ड्रेसेस लगभग एक ड्रेस एक बक्से में भी नहीं आती थी। जिस तरह का पहनावा था, चौके टाइप होता था, तो वो एक फैक्ट्री में जॉब करने के लिए लग गया। साल दो साल के अंदर जॉब करते करते उसने अपने यहाँ पे दिमाग से ये सोचा कि ये जो बन रहा है इस वक्त, एक बॉक्स टाइप बनता था ऐसे, उसके टॉप के ऊपर आप दूसरा बॉक्स नहीं रख सकते थे। तो उसने दिमाग से, जैसे आज हमारे बॉक्स आते हैं कोरोगेशन के 1x1 रख करके, जिससे कम स्पेस में ज्यादा चला जाए, और उसके ऊपर एक्सेल वगैरह या जो भी था वो लगाना स्टार्ट किया और अपना एक ब्रांड बना दिया विदिन 4 ईयर। उसके बाद फ्रांस के अंदर ट्रेन का आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्टार्टअप हुआ। तो उसने लगेज उठाने के लिए बैग में कन्वर्ट किए और बहुत सारे काम किए, और वहां पे 4 साल युद्ध चला, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सब इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन लुईस की इंडस्ट्री चलती रही, क्योंकि उसने ऐसे एक बैग डिजाइन किए जिसमें युद्ध के जो हथियार थे वो भी ले जाए जाते, और लोग सब गरीब हो गए और वो अमीर पे अमीर होता चला गया। आफ्टर 4 ईयर उसने कैसा ब्रांड खड़ा कर दिया। आज भी 40-40 लाख रुपए का एक बैग है, और वो भी बहुत पहले बुकिंग करानी पड़ती है। वैसे तो 50,000 में बैग आपको मिल जाएगी, चश्मा मिल जाएगा, लेडीज पर्स भी 1.5 लाख में मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लुईस विटन की आपको बहुत पहले बुकिंग करा के देनी पड़ती है, और आज उस कंपनी की वैल्यू है 40 लाख करोड़ रुपए। जो व्यक्ति पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, और 13 वर्ष की आयु से अपना घर छोड़ करके इस तरह की सोच रखे कर सकता है, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है उसने किस तरीके से इस बात को जन्म दिया, क्या सोचा? एनीवन स्टूडेंट सकता है, वो आपका भविष्य तय कर दे। लेकिन उसने टाइम टू टाइम, जैसे इस बच्चे का बिल्कुल क्वेश्चन गलत था कि अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा, फेल का सब FDR आपके यहाँ नहीं होना चाहिए, करत अभ्यास के जरूरत हो सुजान। जैसे युद्ध लगा, उसके बैग बिकने बंद हुए, उसने जो है
उस बैग की ऐसी एक शेप बना दी कि सारे के सारे मिलिट्री मैन उसका बैग लेके चलने लगते। और उसने एक सिलेक्टेड एक अपना कैंडिडेट चुना कि जो 40 लाख का बैग खरीद सके, जो 25 लाख का खरीद सके, जो 30 लाख का खरीद सके। उसने अपनी कैटेगरी जो है ना रखी, लेकिन जो मेहनत करता है, जो दर्द सहता है, उसी को आपने पत्थर की मूर्ति देखी होगी और उसके नीचे लगा हुआ पत्थर देखा होगा, वही पत्थर की मूर्ति पे हम लोग फूल मालाएं चढ़ाते हैं। और वही जो पत्थर के नीचे, मूर्ति के नीचे जो पत्थर लगा है उस पे नारियल तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूर्ति बनी है उस पत्थर ने मूर्तिकार की छेनी की चुभन सही है, और जो पत्थर वहां पे प्लेन कर दिया गया उसने उसकी चुभन नहीं सही, इसलिए उस पे हर रोज नारियल फोड़ा जाता है और दूसरी भगवान की मूर्ति की रोज पूजा की जाती है। पत्थर वही है, लेकिन जो पत्थर निखर गया, जिसने अपने सीने पे चोट सही, जो गुजर गया उससे, तो वो सोना बन गया, वो भगवान बन गया। तो आज भी आपका टेक फेस्ट में यही होना चाहिए, जो भी आपने सोचा है, जो आपकी इनोवेशन है, अगर फर्स्ट ईयर ने किया है वेल एंड गुड, अगर इसी समय से हमने नींव मजबूत रख दी तो हम वो दिन दूर नहीं है कि देश के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ कर गुजर जाएंगे। और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और टीम सबके लिए।